हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी पीडीएफ फॉर्म को फिल कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप भी कंप्यूटर का ही इस्तेमाल करें। इसमें ज़्यादा इजी हो जाता है, आप मोबाइल में नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक फॉर्म है, तो एक स्कूल का फॉर्म है, एडमिशन फॉर्म। हम इसको फिल करना चाहते हैं, तो फिल करने के लिए आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास ये पीडीएफ आ चुका है, आपको भी ऐसे वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है जिसको आप फिल करना चाहते हो। तो पीडीएफ हमारा यहाँ पे डाउनलोड है। इसके बाद आपको किसी भी वेब ब्राउजर को ओपन करना है। यहाँ पे हमने गूगल क्रोम ओपन करा है, जहाँ पर हम नेट चलाते हैं। यहाँ पे आपको सर्च करना है फिल पीडीएफ फॉर्म। फिल पीडीएफ फॉर्म सर्च करें और एंटर कर लें। इसके बाद नीचे की तरफ आपको आना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, फ्री पीडीएफ फिलर, फिल इन पीडीएफ फॉर्म ऑनलाइन पीडीएफ प्रो। तो ये वाला ऑप्शन आपको देखना है ध्यान से, आप सेम टू सेम देख लीजिए और इस पे क्लिक कर लीजिए। इसके बाद आपके पास सेम यही वाला पेज ओपन होएगा। यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्लिक टू अपलोड योर पीडीएफ, आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको वाला पीडीएफ ले लेना है जिसे आप फिल करना चाहते हैं। तो ये रहा वो पीडीएफ, हम इसे सिलेक्ट करते हैं, नीचे की तरफ से ओपन पे क्लिक करते हैं। ये अपलोड हो रहा है। अपलोड होने के बाद ये हल्का सा वेट लेगा और आपके पास एक नया पेज आ जाएगा कुछ इस तरीके का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास वही फॉर्म आ चुका है और हम इसे भरना चाहते हैं। तो भरने के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे नाम पूछ रहा है, मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो नाम लिखना चाहते हैं, तो नाम लिखने के लिए आपको यहीं पे क्लिक करना है। फिर आपको लिखना है अपना नाम, जैसे हम लिखते हैं अपना नाम विकास वर्मा, तो हमने लिख दिया है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो ये प्लस का निशान दिखाई दे रहा है, आप इससे इसे मूव कर सकते हो, इससे आप क्रॉस कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि ये गलत है, आप इसे खाली छोड़ना चाहते हो, तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं। पर दोबारा हम इसे फिल करेंगे आपको दिखाने के लिए, विकास वर्मा, तो हम इसे ऐसे मूव कर लेते हैं। तो हो चुका है ये। ऐसे ही यहाँ पे और भी चीजें कर लीजिए, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, दो बार क्लिक करना है आपको। यहाँ पे एज पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम डालते हैं 25। फिर से हम इसे मूव कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे दो ऑप्शन भर दिए हैं, अपना नाम और एज। और यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि आपको जो टेक्स्ट है यानी जो लिखा हुआ है ज्यादा बड़ा आ रहा है, तो यहाँ पे आप किसी कई ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा साइज। तो यहाँ पे अभी 14 है, मैं से थोड़ा 12 कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा बड़ा आ रहा है, मैं 12 कर दिया है। फिर नीचे की तरफ से हम डालते हैं अपना जेंडर, मेल। तो ये हो चुका है और आप देख सकते हैं कि ये ऊपर वाले वर्ड से छोटा आ रहा है। तो आपको भी ऐसे सेम टू सेम फिल कर लेना है, बिल्कुल सेम टू सेम पूरा फिल कर लेना है। तो यहाँ पे हमने पहले ही एक फिल कर रखा है कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने अपना नाम नहीं डाला है, हम नाम डाल देते हैं अपना विकास वर्मा, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने अपना फादर नेम, मदर नेम भी नहीं डाला है प्राइवेसी की वजह से। तो आपको पूरा पीडीएफ फिल कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे दिखाई देगा सेव ऊपर की तरफ, तो सेव पर क्लिक करें। सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको हल्का सा वेट करना है और इसके बगल में ही आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड, तो अगर आप ऐसे क्लिक करते हैं तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, वरना आप डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं। तो मैं डाउनलोड करूंगा। यहाँ पे आप एक बार में इसे कर ले, वरना आपको दिक्कत होगी। तो यहाँ पे मैंने इसे एक बार कर लिया है, इसलिए दो चांस बचे हैं। तो डाउनलोड फाइल पे क्लिक करते हैं और नीचे की तरफ हमारी जो फाइल है वो डाउनलोड हो गई है। तो अगर हम इसे ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा और जिसे हमने फिल करा था वहां पे ये फिल करा हुआ दिखाएगा। तो ये फिल हो चुका है और ये हमारे डाउनलोड फोल्डर में आ चुका है। हम डाउनलोड में जाते हैं, तो ये रहा वो पीडीएफ। हम इस पर क्लिक करके अगर इसे ओपन करेंगे तो बिल्कुल वही पेज ओपन होएगा। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।